हम डिस्कस करेंगे क्लाउड आर्किटेक्चर में गूगल ऐप इंजन। गूगल ऐप इंजन एक एप्लीकेशन बिल्डिंग एनवायरनमेंट है जो कि गूगल की प्रोडक्ट है। तो इसमें हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, रन टाइम, सैंडबॉक्स, डेटा स्टोर और जो सर्विसेज और एपीआईज गूगल ऐप इंजन प्रोवाइड करता है उनको डिस्कस करेंगे। फिर इसमें जो जावा परसिस्टेंस एपीआई है, मेम कैशे है, फेचिंग यूरल और जो डिफरेंट सर्विसेज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एंड में हम देखेंगे कि इसको हम हाउ वी कैन डिप्लॉय एंड मैनेज एप्लीकेशन यूजिंग गूगल ऐप इंजन। उसके बाद फिर इसकी जो लिमिटेशन है गूगल ऐप इंजन की उसको हम डिस्कस करेंगे। गूगल ऐप इंजन के अंदर जो चैलेंजेस हैं, हाउ वी कैन बिल्ड वेब एप्लीकेशंस, उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। इसकी जो डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है वो cloud.google.com/docs पे अवेलेबल है। इसका जो सबसे जो प्लस पॉइंट है, इट इज़ इजी टू स्टार्ट, इजी टू स्केल एंड इजी टू मेंटेन। इसकी जो बैकएंड पे जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो गूगल ऐप इंजन ऑटोमेटिकली खुद हैंडल कर रहा होता है। इसमें आइडल कैपेसिटी, सॉफ्टवेयर पैचेस, अपग्रेड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली होते हैं। लाइसेंस फी मैनेजमेंट हो सकती है, मेंटेनेंस वर्क इसमें किया जा सकता है, ट्रैफिक एंड यूटिलाइजेशन को देखा जा सकता है, फोरकास्ट किया जा सकता है और इसमें अपग्रेड मैनेजमेंट भी हो सकती है। ऐप इंजन जो है ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। इट आल्सो प्रोवाइड होस्टिंग सर्विस। आप इसमें अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं और उनको टेस्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद उस एप्लीकेशन को गूगल के ऊपर अपलोड भी कर सकते हैं। ऐप इंजन में आप बहुत सी चीज़ें रन कर सकते हैं, लाइक इसमें एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन को रन किया जा सकता है और इसमें आपको प्रोसेसिंग पावर, नेटवर्क, स्टोरेज, स्केलेबिलिटी वगैरह के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इससे मुराद है कि एक ऐसी एप्लीकेशन या सर्विस जिसको वेब से एक्सेस किया जाता है यूजिंग अ वेब ब्राउज़र और इसको एक वक्त में बहुत से यूज़र एक्सेस कर सकते हैं और इसमें जो पेमेंट मॉडल है जैसा कि क्लाउड का पेमेंट मॉडल है कि जितना कोई वेब एप्लीकेशन यूज़ होती है उतनी ही पेमेंट होती है और इसमें कोई मंथली फी या अपफ्रंट चार्जेस नहीं होते। गूगल ऐप इंजन जो है वो दो रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जावा वीएम, पाइथन और गूगल वेब टूलकिट। ये जावा वीएम पाइथन को आप यूज़ कर सकते हैं एज ए रन टाइम एनवायरनमेंट या गूगल वेब टूलकिट को यूज़ किया जा सकता है। गूगल ऐप इंजन जो है वो स्टैटिक फाइल सर्वर्स को सपोर्ट करता है। दोज आर अवे फ्रॉम द एप्लीकेशन सर्वर्स वेयर द डेटा स्टोर इज यूज्ड टू स्टोर डेटा व्हाइल सर्विंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट फॉर फ्यूचर नीड। जो आप जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन सर्वर्स हैं वहाँ पे एक डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है जो डेटा को स्टोर करता है और उसको एचटीटीपी रिक्वेस्ट के जरिए फेच किया जा सकता है। तो डेटा स्टोर जो होता है दैट स्टोर्स द डेटा इन वन और मोर डेटा स्टोर एंटिटीज। एन एंटिटी हैज़ वन और मोर प्रॉपर्टीज, ईच हैज़ अ नेम, वन ऑफ नेम्ड काइंड एंड अ वैल्यू बेस्ड ऑन सेवरल वैल्यू टाइप्स। डेटा स्टोर क्वेरी वो जीरो रिटर्न करेगी या इसके अलावा उस एक से ज़्यादा एंटिटीज को भी रिटर्न कर सकती हैं, दोज आर ऑफ अ सिंपल काइंड। तो ऐप इंजन क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ इंडेक्सेस जो कि सिंपल क्वेरीज के लिए होता है। तो ये जो क्यूरीज होती हैं दोज आर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट ऑन एंटिटीज ऑफ अ काइंड। जब भी ऐप
एक नई एंटिटी क्रिएट करती है और जब उसको अपडेट करती है तो उसमें जो डेटा स्टोर है वो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स है उसको भी अपडेट कर देता है। तो इसमें क्योंकि क्लाउड के अंदर नंबर ऑफ टेनेंट्स होते हैं, दे आर अटेम्प्टिंग टू रीड राइट द सेम डेटा साइमल्टेनियसली, तो ऐप इंजन जो है वो इंश्योर करता है कि किसी भी एंटिटी के ऊपर जो अपडेट है वो दैट वुड बी सक्सीड आर द इंटायर अपडेट फेल। एन अपडेट ऑफ अ सिंगल एंटिटी अकर्स इन ट्रांजेक्शन। When an app calls data store to update an entity, control does not return to the application until the transaction success or fails. जो app call है data store call को तब तक वो return नहीं होती user के पास जब तक कि वो entity की जो transaction है वो complete ना हो जाए। एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर ऑपरेशंस को बंडल किया जा सकता है और वो सारे ऑपरेशन एक ही ट्रांजैक्शन में परफॉर्म हो सकते हैं, लाइक स्टार्ट ट्रांजैक्शन, कमिट ट्रांजैक्शन। गूगल ऐप सर्विसेज जो हैं वो डेटा स्टोर्स का रिलेशनशिप है विद द रन टाइम एनवायरनमेंट। गूगल ऐप सर्विसेज क्या है? आर द डेटा स्टोर्स रिलेशनशिप विद द रन टाइम एनवायरनमेंट। An app uses an API to access a supported service. These services are self-calling, independent from the language runtime environment. These services include memcache, URL fetch, mail service, task queries, and cron job. इसमें जो developer tools हैं, like Google provides free tools, SDK for different languages, operating system for डेवलपिंग ऐप इंजन एप्लीकेशन इन जावा, जावा SDK जो है वो प्लग इन के तौर पे आता है इन एक्लिप्स, और पाइथन, पाइथन SDK इन फॉर्म ऑफ GUI एप्लीकेशन फॉर विंडोज एंड मैक OS। इसके अलावा एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोल होती है जो यूज़ होती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट और एप्लीकेशन को सेटअप करने के लिए ऐप इंजन के ऊपर। तो आप साइन करते हैं टू एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोल यूजिंग योर गूगल अकाउंट। गूगल ऐप इंजन प्रोवाइड्स स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट हैज लिनक्स, GFS, बिग टेबल एंड हार्डवेयर। ऑल दीज कॉन्फ़िगरेशंस आर स्केलेबल। इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और रन टाइम है वो एलिस, various delegate that let humans give instruction to computer. There are various dialects that let humans give instructions to computer, like Alice, Ruby, PHP, Scratch and Java. इसमें बहुत सी languages हैं, those are easier to use, और कुछ languages हैं जो special purpose हैं, और कुछ जो लैंग्वेजेस हैं दोज आर मेच्योर लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, पाइथन, रूबी, PHP, और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो है किड्स के लिए, लाइक जो दोज आर नॉट मेच्योर। अब इनको डिस्कस करते हैं। पाइथन, पाइथन इज बेस्ड ऑन रन टाइम वर्जन 2.7.9 एंड वर्जन 3.6.2। इसमें पाइथन में रैपिड डेवलपमेंट है और इसमें लो बैरियर है फॉर एंट्री, सिंपल है बट इट हैज रोबस्ट सिंटैक्स, और इसमें बहुत सी लाइब्रेरीज हैं, पैकेजेस हैं, मॉड्यूल्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है। जावा जो है दिस इज यूबिक्यूटिस इन इंटरप्राइज कंप्यूटिंग, दिस इज वेल नोन लैंग्वेज टू परफॉर्म इंटरप्राइज लेवल ऑपरेशंस। इसमें जावा सर्वलेट स्टैंडर्ड्स और JSP को इम्प्लीमेंट किया गया है। इट इंक्लूड्स जावा SE रनटाइम एनवायरनमेंट एंड इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू मोस्ट ऐप इंजन सर्विसेज यूजिंग जावा APIs, इंक्लूडिंग जावा डेटा ऑब्जेक्ट्स, जावा परसिस्टेंस API, जावा मेल API, मैम कैशे, URL फेच सर्विसेज एटसेट्रा। जावा के अंदर भी बहुत से पैकेजेस, लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स हैं
जिनको यूज़ किया जा सकता है। इसका जो प्लगइन है वो एक्लिप्स के साथ आता है जिसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अल्टरनेटिव लैंग्वेज सपोर्ट जो है जावास्क्रिप्ट, रूबी और स्केला की इसमें अवेलेबल है। जावा स्टैंडर्ड्स, तो इसमें देर आर टू लेवल्स ऑफ एपीआईस, वन इज जावा स्टैंडर्ड्स एंड नेक्स्ट इज लो लेवल एपीआई इंजन एपीआईस। गूगल ऐप इंजन में जावा सर्वलेट, जेडीओ, जेपीए, जावा डॉट नेट यूआरएल, जावा एक्स डॉट मेल, जावा एक्स डॉट कैशे और एट लो लेवल दे आर कनेक्टेड विद वेब ऐप कंटेनर लाइक जावा सर्वलेट जो है वह वेब ऐप कंटेनर के साथ लिंक्ड है, जेडीओ डेटा स्टोर एपीआई के साथ है, जावा डॉट नेट डॉट यूआरएल जो है यूआरएल फेच के साथ कनेक्टेड है और जावा एक्स जो है मेल एपीआई के साथ है और जावा एक्स डॉट कैशे मैम कैशे के साथ है। तो इस तरह जावा स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट किया गया है यूजिंग लो लेवल ऐप इंजन एपीआईस। तो इसके अलावा कुछ और लैंग्वेजेस की भी सपोर्ट है थ्रू जावा वर्चुअल मशीन लाइक जावा स्केला, जे रूबी, ग्रूवी, क्यूरिकस, पीएचपी, रीनो, जावास्क्रिप्ट और जाइथन, पाइथन। नेक्स्ट इज द सैंडबैग्स। ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या रन टाइम एनवायरनमेंट्स हैं दे आर इंप्लीमेंटेड यूजिंग द सैंड बॉक्स। व्हाट सैंडबॉक्स डस, इट लिमिट्स एक्सेस फ्रॉम एप्लीकेशन टू द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सैंडबॉक्स आइसोलेट्स योर एप्लीकेशन इन इट्स ओन सिक्योर रिलायबल एनवायरनमेंट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फिजिकल लोकेशन ऑफ द वेब सर्वर। Application can access other computers on the internet through the provided URL fetch and email services. Other computers can only connect to the application by making HTTP or HTTPS request on the standard ports. Applications cannot write to the file system in any of the runtime environments. An application can read file, but only files uploaded with the application code. Application uses the app engine data store, memcache or the other services for all data that persist between the requests. Python 2.7 environment allows bytecode to be read, written and modified. Application code only run in response to a web request, a request task or a schedule task and must return response data within 30 seconds in any case. A request handler cannot spawn a sub process or execute code after the response has been sent. Sandboxing allows application engine to run multiple application on the same server without the side effect of one application affecting other. Runtime environments limits the amount of clock time, CPU use and memory a single request can take. App engine runtime ensures strict limits to application that use up more resources to protect shared resources from runaway applications. ये sandbox की implementation है कि sandbox के अंदर बहुत से features हैं जो security provide करते हैं जिसके अंदर different programming languages को run किया जा सकता है. तो sandbox multi-tenant environment में इन सारी एप्लीकेशंस को आइसोलेट करता है।